स्पेशल किया था और कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज की थी। अगर आपको टेस्ट स्पेशल या कंडीशन फॉर्मेटिंग के अगेंस्ट कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, और नोबेल टेक एजुकेशन पर जाकर टेस्ट स्पेशल एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में कोई भी डाउट्स हो, आई होप सो आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हम आज आपकी क्लास आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना गाइज। आज हम सेल फॉर्मेटिंग करेंगे। सेल की फॉर्मेटिंग क्या होती है, देखिए गाइज जब भी आप अपना सिस्टम ओपन करते हैं या एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा मिलता है आपको गाइज, ओके, या फिर जो हमारी फॉर्मेटिंग मिलती है या फिर रेफरेंस मिलता है गाइज, तो ये सबके अंदर क्या होता है गाइज, एक फिक्स स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं गाइज अभी वो कर रहे हैं सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो सेल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है गाइज, देखिए गाइज यहाँ पर सेल फॉर्मेटिंग है। अब सेल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन है, ओके। लास्ट टाइम जब हमने अपनी क्लास ली थी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि टोटल ऑफ नंबर हमारे पास कॉलम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, ओके। अगर मेरा ये डेटा मैंने बनाया हुआ है और इस डेटा के अंदर मुझे कहीं पे कोई एक कॉलम इंसर्ट करना पड़े या एक रो इंसर्ट करनी पड़ती है, सपोज गाइस ये जैसे डेटा है मेरा, मैंने इधर कुछ मिस हो गया और मुझे इधर एक कॉलम इंसर्ट करना है, ओके, या फिर एक सेल इंसर्ट करना है। गाइस हम सेल से स्टार्ट करते हैं, मुझे एक सेल इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा और राइट क्लिक करेंगे गाइस। राइट क्लिक करते ही इसके ऊपर क्या होगा गाइस कि इधर इंसर्ट ऑप्शन आ जाता है, ओके। अब देखिए गाइस यहाँ पे इंसर्ट आ गया, ओके। इंसर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, बट सेल जो इंसर्ट होगा तो वहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, मैसेज दे रहा है आपको कि यहाँ पे जो 85 नंबर का सेल है आपको उसे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा गाइस। जब तक आप इसमें इस सेल को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे गाइस तब तक इधर कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, ओके। क्योंकि अगर आप एक सेल इधर इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रीवियस जो आप इंसर्ट कर रहे हैं सेल वो तो आपकी फर्स्ट प्लेस पे लग जाएगा और जिस प्लेस पे वो पर्टिकुलर सेल है वहाँ पे क्या करेगा गाइज, वो उसे डाउन में शिफ्ट कर देगा या राइट में शिफ्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, जैसा आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं वैसा। तो फिलहाल हमने क्या किया, मेरा सेल मुझे डाउन में शिफ्ट करना है तो हमने क्या करा, इसे डाउन कर दिया। तो गाइज ये देखिए इधर एक सेल डाउन में शिफ्ट हो गया और इधर एक न्यू सेल इंसर्ट हो गया, ओके। तो सेम टाइप से गाइज अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो भी आप राइट क्लिक करिए, देन डिलीट में जाइए गाइज और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सेम एज बोल रहा है, अब आप शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दीजिए गाइज, तो लेफ्ट में जो एक सेल शिफ्ट हुआ है वो आपका क्या होगा गाइज, यहाँ पे लग जाएगा। अगर क्योंकि आप इंसर्ट करते टाइम गाइज डाउन किया था तो हम इसे अप कर रहे हैं, या फिर आप पूरी एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, पूरा एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ओके गाइज। तो हम इसे अभी फिलहाल अप कर रहे हैं, देखिए गाइज ये अप हो गया और यहाँ पे ये हट गया। अगर इसे कॉलम इंसर्ट करना है गाइज तो कॉलम भी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए गाइज। ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया बीच में ही। अगर आपका कोई एक कॉलम की हेडिंग्स मिस हो गई है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर नहीं यूज करना तो सेम एज गाइज आप राइट क्लिक करिए और इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। सेम आप रो में भी कर सकते हैं गाइज, आप रो पे जाइए और राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, ओके। एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए गाइज आपने अभी थोड़ा सा कुछ नोटिस किया, जैसे मैंने इधर एक रो इंसर्ट की वो रो मेरी अप में इंसर्ट हो गई और जो इस पर्टिकुलर रो पे मेरा कर्सर था वो डाउन में शिफ्ट हो गई। कई बार ये क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कोई भी आप अगर आप रो इंसर्ट करते हैं तो वो रो कहाँ पे इंसर्ट होती है, वो रो गाइज अप में इंसर्ट होती है और जो सिलेक्टेड रो होती है वो डाउन में चली जाती है। सेम टाइप से जब आप कॉलम इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम आपका लेफ्ट में इंसर्ट हो जाता है और राइट में आपका डेटा शिफ्ट हो जाता है, ओके गाइस। तो ये इस टाइप से यूज हो जाएगा। अगर हटाना है गाइस तो आप इसे वापस राइट क्लिक करिए और इसे डिलीट कर दीजिए गाइस। ये देखिए डिलीट हो जाएगा, सॉरी मेरा सिलेक्शन गलत हो गया, और यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसे डिलीट कर दीजिए गाइस। इसका शॉर्टकट भी है, आपने रो सिलेक्ट कर रखी है तो आप प्लस कर दीजिए, ओके। तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कॉलम चूज किया हुआ गाइस तो कॉलम चूज करके कंट्रोल प्लस कर दीजिए, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा गाइस। अगर आप कंट्रोल माइनस कर देंगे, कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। सेम एज गाइस आप रो में भी कर सकते हैं, सेल में भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन से गाइस कि आपने कैसा सिलेक्शन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा गाइस, ओके। ये तो गाइस यहाँ से इंसर्ट था, आप यहाँ से जैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है गाइज यहाँ से क्या नाम, तो यहाँ से कर लीजिए सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। आप सेल सेलेक्ट करिए तो सेल इंसर्ट हो जाएगा, रो करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी, कॉलम करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप पूरी एंटायर शीट इंसर्ट करना चाहते हैं गाइज, तो आप एक शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे हमारी 1 नंबर शीट है। वैसे फिलहाल मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं, मैंने इंसर्ट कर रखी हैं, लेकिन अभी मैं इधर ही इंसर्ट करके दिखा देती हूँ गाइज। ये देखिए इंसर्ट, तो देखिए गाइज यहाँ पे 6 नंबर शीट इंसर्ट हो गई बिकॉज ऑफ, ये देखिए गाइज 6 नंबर शीट इंसर्ट हो गई बिकॉज ऑफ मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी शीट्स थी, कुछ 500 शीट्स ऑलरेडी थी, इसलिए यहाँ पे इसने क्या करा 6 नंबर इंसर्ट कर दी। अगर गाइज आपको इसे डिलीट करना है तो सेम एज आप कर सकते हैं गाइज, इसी पे राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और इसे डिलीट कर दीजिए गाइज, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर आप डिलीट करना चाहें गाइज, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइज, सेम टाइप से इंसर्ट के ऑप्शन यहाँ पर है, डिलीट के ऑप्शन डिलीट टैग के डिलीट पॉइंट्स के अंदर है। ओके गाइज, जब भी आप इधर से डिलीट करते हैं कोई भी शीट, तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने जब इंसर्ट किया था तो यहाँ पे कौन सी शीट इंसर्ट हुई थी, 6 नंबर इंसर्ट हुई थी, मैंने 6 नंबर डिलीट कर दी। अगर मैं इधर अगेन कोई शीट इंसर्ट करती हूँ गाइस, मैंने क्या मुझे अगेन मैं शीट इंसर्ट करती हूँ, तो गाइस 6 नंबर इंसर्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे जो इंसर्ट होगी गाइस 7 नंबर इंसर्ट होगी बिकॉज ऑफ जो सीरीज चल रही थी, 1 से स्टार्ट सीरीज थी जो मेरी शीट्स की, उस सीरीज में से मैंने 6 नंबर डिलीट कर दिया, तो वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर ही रिपीट होगा। अब इसमें नेक्स्ट नंबर ही आगे मूव होगा, प्रीवियस नंबर रिपीट नहीं होगा। ओके गाइस, तो जब भी आप कोई शीट इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो उसमें से अगर कोई नंबर पर्टिकुलर आपने डिलीट कर दिया तो वो दोबारा इंसर्ट नहीं होता है, नेक्स्ट नंबर मूव होता है। गाइस, अब हम यहाँ पे फॉर्मेट्स कर रहे हैं। फॉर्मेट का मीन से गाइस, स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो हमने इसमें रो इंसर्ट किए थे, अभी हमने रो इंसर्ट्स किए। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी हम इसमें कॉलम में देख रहे हैं या रो में देखते हैं गाइस। देखिए अभी हमारी जो कॉलम है, ठीक है ना गाइस, तो देखिए कॉलम की विड्थ कितनी है और रो है, रो की हाइट कितनी है। इसमें जो डिफॉल्ट होती है या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो होती है गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड जो रो की हाइट होती है गाइस 14.43 होती है, ये 4 है, इधर 4.3 होता है गाइस। स्टैंडर्ड जो इसकी हाइट होती है 15 होती है। ओके, स्टैंडर्ड रो की हाइट 15 होती है। ओके, ये है, और जो इसकी हम मैक्सिमम एक्सटेंड जो कर सकते हैं गाइस, उसे हम और भी कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंड का मतलब है कि आप मैक्सिमम कितनी इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो गाइज अगर आप इसकी मैक्सिमम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्स हाइट होती है 409 होती है। गाइज मैं 410 कर रही हूँ बिकॉज ऑफ आपको करेक्ट पता चल जाएगा कितनी होती है। देखिए गाइज यहाँ से इसने दिखा दिया रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 to 409। ओके, मैंने 10 किया था, इसने एरर कर दिया और उसने बता दिया कि मैक्सिमम आप 409 तक ही इसको ऐड कर सकते हैं या इसकी हाइट को एक्सटेंड कर सकते हैं गाइज। तो हमने 409 गाइज, तो ये देखिए हाइट इसकी बढ़ गई, हाइट बढ़ गई इसकी गाइस। अगर आप इसकी हाइट को कम करना चाहते हैं कि नहीं करना, मुझे नॉर्मली करनी है या जो इसकी स्टैंडर्ड थी उतनी रख देनी है, तो गाइस आप यहाँ पे वापस जाइए और इसको दोबारा 15 कर दीजिए गाइस, ये 15 हो गई। तो आप कॉलम की विड्थ भी ले सकते हैं। इसकी जो कॉलम की विड्थ होती है गाइस, इसकी जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो गाइस होती है 8.43। ओके गाइस, 8.43 होती है स्टैंडर्ड विड्थ इसकी गाइस। ओके, ये रहा स्टैंडर्ड 8.43 होती है। अगर आप इसको मैक्सिमम एक्सटेंड करना चाहते हैं इसकी विड्थ गाइस, तो आप यहाँ से विड्थ को भी मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम का मीन्स होगा इसमें होगी 255 कैरेक्टर्स, मैंने 26 कर दिया गाइस। तो देखिए इसमें आपको मैसेज दे देगा गाइस, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 and 255 कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स में चल रही है गाइस, 255 कैरेक्टर्स तक आप इसकी मैक्स विड्थ बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने मैक्स से कुछ ज़्यादा कर दिया, 1 पॉइंट ही बढ़ा दिया, तो मैं इसे 255 करूँगी गाइस। तो देखिए इसकी इतनी विड्थ बढ़ गई। ओके गाइस, ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ तक इसकी मूव हुई है गाइस। ये देखिए यहाँ तक ये मूव हो गई है, ये देखिए गाइस। ओके, तो इस टाइप से ये शो हो जाती है। ओके, अगर इसे नॉर्मल करना है गाइस तो वापस जाइए गाइस। यहाँ पे देखिए इसमें डिफॉल्ट भी लिखा हुआ है, अगर आप डिफॉल्ट कर देंगे ना गाइस तो ये शो हो गया, और यहाँ पे जाके आप इसको शेल सेट कर दीजिए इसकी। देखिए गाइस यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि इतनी आ रही है, लेकिन इसकी 8.43 होती है गाइस। ओके, और यहाँ पे जब आप इसे चेंज करेंगे, यहाँ पे तो गाइस डिफॉल्ट दिखा देता है और यहाँ पे आप इसमें चेंज कर सकते हैं 8.43। ओके गाइस, तो ये शो हो गई 8.43। ओके गाइस, तो ये इसकी विड्थ होती है। गाइस इसके बाद हम इसमें आगे मूव कर रहे हैं कि अगर आपको इसमें से कुछ भी और इसमें यूज करने, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर गाइस इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काफी कुछ है। देखिए गाइस, हम इसे यूज करें गाइस, फॉर्मेट में जाएंगे गाइस और यहाँ पे देखिए गाइस ये हाइड है गाइस, यानी कि अगर आपकी शीट है, आप काम कर रहे हैं, कोई भी एक सेल आपको हाइड, एक कॉलम हाइड करना है, एक रो हाइड करनी है या पूरी शीट हाइड करनी है, तो गाइज यहाँ से कर सकते हैं। सपोज दैट गाइज, जैसे कि यहाँ पे आप लिखो, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, नेम लिखे हुए हैं, नेम है इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और समथिंग एल्स, सारे सब्जेक्ट्स। अब मैं चाहती हूँ इसमें से मुझे ये इको वाला कॉलम हटाना। हटाने का मीन्स गाइज दो ले सकते हैं हम, एक तो ले सकते हैं कि हमें इसे प्रॉपर डिलीट करना है, दूसरा क्या ले सकते हैं गाइज कि अभी मुझे यूज़ नहीं करना, बाद में यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम इसे गाइज हाइड कर देते हैं, तो इस पर सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे गाइज और इसे कर देंगे हाइड। तो देखिए गाइज ये हाइड हो गया। ओके, दैट मीन्स डिलीट नहीं है, कुछ टाइम के लिए छुप गया है। ओके गाइज, तो इस टाइप से इसे हाइड कर सकते हैं, ये हाइड हो गया। लेकिन अगर आपको वापस यूज करना है गाइज, ये मैं चाहती हूँ दोबारा शो हो जाए, तो इसे सिलेक्शन करिए दोनों सेल, यानी कि इसका फर्स्ट लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों कॉलम चूज करने पड़ेंगे गाइज और अगेन इस पर राइट क्लिक कर दीजिए गाइज और इसे अनहाइड कर दीजिए। ओके गाइज, तो ये देखिए शो हो गया। सेम टाइप से गाइज आप रो भी कर सकते हैं, अगर आप रो करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए गाइज और इसे हाइड कर दीजिए, ये हाइड हो गई। अगर दोबारा यूज करना है गाइज तो अप और डाउन वाली रो दोनों सेलेक्ट करना होता है गाइज, अप और डाउन, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करिए गाइज और इसको अनहाइड कर दीजिए। देखिए गाइज शो हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप अपने सेल को, अपने रो कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। सेम टाइप से गाइज आप शीट भी कर सकते हैं, आप शीट पे राइट क्लिक करिए और इसको हाइड कर दीजिए। देखिए गाइज हाइड हो गई। अभी सारी शीट्स आ रही है गाइज, लेकिन वो शीट्स नहीं आ रही। अब आपको दोबारा यूज करनी है तो सेम टाइप गाइज आप यहाँ से राइट क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए। ओके, ये रही अनहाइड, देखिए शीट का नेम दिखा दिया उसने और ओके कर दीजिए गाइज, ये देखिए शो हो गई। ओके, या फिर आप सेम गाइज फॉर्मेट में जाकर भी कर सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर फॉर्मेट में भी है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइड अनहाइड सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं गाइज, यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, जैसे भी आपने देखा गाइज, जब हम शीट फर्स्टली यूज करते हैं तो हमारे शीट के नाम लिखे होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। कुछ शीट को गाइज मैंने रीनेम भी कर रखा है, देखिए जिस पर्टिकुलर नेम कर दिया, तो गाइज रीनेम भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं गाइज फॉर्मेटिंग बता रही हूँ तो सेल फॉर्मेटिंग, शीट फॉर्मेटिंग ये सारी चल रही है इसके अंदर। ओके, कि हम पर्टिकुलर अपने सेल्स को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से उसको यूज कर सकते हैं। सेम टाइप गाइज आप राइट क्लिक करिए और इसको रीनेम कर दीजिए। देखिए गाइज रीनेम के लिए शो हो रहा है। ओके, अब आप कोई भी नाम इसका डाल सकते हैं, ABC या जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं, जो भी डेटा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गाइज। ये देखिए डल गया। ओके, फिर रीनेम हो जाती है गाइज, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हो जाता है। अब हमने राइट क्लिक ना करें तो इस पर डबल क्लिक कर दें पर्टिकुलरली, तो इस पर डबल क्लिक करके भी हो जाता है। देखिए गाइज डबल ए डाल दिया मैंने, डबल ए हो गया। ओके, तो ये सारी होती है गाइज सेल फॉर्मेटिंग, ये सेल फॉर्मेटिंग का पार्ट था, ये सेल फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। गाइज हम पर्टिकुलर टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस पे मार्कशीट बनाई है उसका कलर कुछ और हो, कोई फॉर्मूला निकालती हूँ उसका कलर कुछ और हो, तो गाइज हम इसमें टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइज ये रेड कलर से आ गया, तो ये टैब का कलर चेंज हो गया। ऐसे जिस पर्टिकुलर टैब को आप क्लिक करेंगे गाइज उसका ही कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं उसे। यहाँ पे गाइज ये टैब कलर भी हो जाएगा। ओके गाइज, और नेक्स्ट होता है गाइज इसे कॉपी करना। अगर मैं यहाँ से वर्क कर रही हूँ, जैसे ए वाला मेरा ए वाली शीट है या रेफरेंस वाली शीट है मेरी, या शीट 1 है, मैं चाहती हूँ इसको कॉपी करना है, तो गाइज इसे राइट क्लिक करके भी आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए गाइज कॉपी कर दिया। अब कॉपी इसको गाइज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसी फाइल में कर सकते हैं जो मेरी खुली हुई है 13 अप्रैल वाली फाइल्स गाइज, इसमें भी कर सकते हैं, या फिर किसी न्यू बुक में भी कर सकते हैं गाइज। न्यू बुक पे मैंने क्लिक कर दिया गाइज और इसको डायरेक्ट अगर मैं ओके कर देती हूँ तो क्या होगा गाइज, ये जो मेरी शीट है ये मेरी फर्स्ट फाइल से हट जाएगी और कॉपी हो जाएगी नेक्स्ट, मूव हो जाएगी नेक्स्ट में। ओके, इसमें मूव और कॉपी दो कमांड है गाइज। जब मैंने क्लिक किया था इस कमांड पे तो ऊपर देखिए गाइज, इसमें मूव और कॉपी दो कमांड लिखी हुई है। मूव का मीन्स होता है कट करना और कॉपी का मीन्स होता है कॉपी करना। अगर मैं इसको जस्ट मूव करूंगी तो ये मूव हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट फाइल में से मेरी ये शीट हट जाएगी, कट हो जाएगी और सेकंड फाइल में मेरी में मूव हो जाएगी। अगर गाइज मैं इधर क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर देती हूँ तो गाइज इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ओके, देखिए गाइज ये एक नई फाइल में आ गई और ये मेरी पुरानी, देखिए मैं नीचे शो करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए गाइज ये मेरी पुरानी शीट फाइल है, देखिए इसमें भी है मेरी ये शीट और ये जो नई फाइल में मेरे कॉपी की है ये नई फाइल में भी आ गई। जरूरी नहीं है गाइज नई फाइल हो, आपकी ऑलरेडी की दूसरी फाइल है आप उसमें भी ले सकते हो, ऑलरेडी सेव्ड है उसमें भी ले सकते हो। फिलहाल हमने न्यू में ले ली क्योंकि खोली नहीं थी मैंने सेव फाइल, तो इसलिए न्यू में आ गई। ओके गाइज, तो ये इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो ये सारी इसमें फॉर्मेटिंग होती है गाइज। ओके हाँ, नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट सेल कंप्लीट हो गया गाइज। इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है, ये प्रोटेक्शन हम आगे व्यू में जाएंगे तब बताएंगे कि सेल प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं पर्टिकुलर सेल के लिए। और जो सेल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट सेल है गाइज, ये यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये हमने पहले भी क्या हुआ है गाइज, जब मैंने आपको अलाइनमेंट बताया था या फॉर्मेट बताया था तब भी ये टैब खुला था आपका और अब भी यही टैब खुला है, क्योंकि टोटल ऑफ फॉर्मेटिंग सेल की इस फॉर्मेट सेल के अंदर ही होती है। आप यहाँ से ही सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके गाइज, तो हम इसे हटा रहे हैं गाइज, ये हट गया। नेक्स्ट गाइज इसमें क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है ना गाइज। अब जैसे कि हमने काफी सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है गाइज इसमें, और जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था गाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग बताई थी कि हम इसमें कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही गाइज मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, लाइक मैंने इधर कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, कलर फॉर्मेटिंग लाइक दैट ये कर दिया गाइज, और यहाँ से गाइज देखिए ये भी कर दिया मैंने, यहाँ भी फॉर्मेटिंग कर दी। ओके, ये गाइज ये कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, डेटा भी है मेरे पास गाइज, मैंने इधर कमेंट भी लगा दिए। ओके, तो ये कमेंट भी आ रहे हैं, देखिए ये कमेंट आ गए, ये गाइस कमेंट यहाँ पर भी शो हो गए। ओके गाइस, अब मेरे पास काफी सारा डेटा है। अब मुझे क्या करना, मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा डेटा। अगर आप पूरा डेटा डिलीट करना चाहते हैं, सपोज दैट सारा टोटल वर्क पूरी शीट का, तो शीट सिलेक्ट करिए गाइस और सिलेक्ट करके गाइस आप यहाँ से क्लियर आ जाइए, क्लियर ऑल कर दीजिए गाइस, एवरीथिंग एल्स क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। चाहे तो आपने उसमें डेटा टाइप कर रखा है, फॉर्मेटिंग लगा रखी है, कमेंट्स कर रखे हैं, लिंक्स बना रखे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं गाइस कि मुझे सब कुछ क्लियर नहीं करना, मुझे सिर्फ इस डेटा में से, मैं अंडू कर रही हूँ गाइस, अंडू का मैंने यूज पहले भी बताया था कि यूज हो जाते हैं, जो आपने कमांड यूज किया वो अंडू हो जाती है, वापस हो जाती है। जस्ट मुझे क्लियर फॉर्मेट करने गाइस, तो हमने इसे फॉर्मेट क्लियर करके गाइस देखिए सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए, कंटेंट है आपके पास, कमेंट्स हैं आपके पास, बस क्या नहीं आ रहा आपके पास गाइस, फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है, तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। या फिर मैंने क्या, सिर्फ मुझे इसमें से कमेंट्स क्लियर कर दीजिए, तो जस्ट आप कमेंट क्लियर हो जाएंगे गाइस। ओके, तो इस टाइप से कमेंट्स क्लियर हो गए, क्लियर करने हैं कंटेंट, तो देखिए गाइस जो डेटा टाइप था वो क्लियर हो गया। ओके, तो सारा डेटा क्लियर हो गया, बाकी कमेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्किंग का। नेक्स्ट है इसमें हम गाइस इसमें नेक्स्ट यूज करें फिल कमांड। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखिए गाइस, जो एक्सेल है वो काफी स्मार्ट वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी वर्क करते हैं, तो जैसे मैंने 1 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गाइस, ओके। अगर मैं जस्ट अब 1 लिख के इसको मूव करती हूँ, देखिए गाइस ये ड्रैग हैंडल्स होते हैं, अगर आप इसे क्लिक करके डाउन में ड्रैग करते हैं तो देखिए 1 1 मूव हो गया इसमें, यानी कि इसको कोई पैटर्न नहीं मिला। मैं चाहती हूँ इधर 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप हो जाए, ओके गाइस। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इससे पहले पैटर्न बना के देना पड़ता है। तो ये इंटेलिजेंट है, अगर आप जैसे ही इसने इसको आपने पैटर्न बना के दिया तो ये उसी पैटर्न को मूव कर देगा। देखिए गाइस सेम पैटर्न यूज कर लिया इसने। अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ 2 और यहाँ पे डाल देती हूँ 4, तो देखिए गाइस ये इसी पैटर्न को मूव कर लेगा। इसे पता चल गया कि इसे 2 टाइम्स डेटा आगे मूव करना है। तो देखिए गाइस इसने 2 टाइम्स मूव कर दिया, ये टेबल बन गई, ओके गाइस। तो ये फिल कमांड्स के थ्रू होता है और ऐसे ही फिल कमांड्स यहाँ पे होती है। इसे गाइस हम सीरीज बोलते हैं, ये नीचे सीरीज आ रही है ना गाइस, इसको सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज में हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा या 1 लिखा, कुछ भी लिख लीजिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके गाइस। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में जाइए गाइस, और सीरीज में जाके अब यहाँ पे सीरीज खुल गई। क्योंकि मेरा कॉलम में वर्क है तो मैंने कॉलम में ले लिया। अगर मैं इसे लीनर करती हूँ गाइस और इसको वैल्यू देती हूँ, ठीक है ना, स्टेप वैल्यू देती हूँ कि मेरे को 2 स्टेप मूव करना है, ओके। और ओके कर दीजिए गाइस, देखिए 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा ये। देखिए 1 के बाद इसमें 2 स्टेप और जुड़े, हो गया 3 में 2 स्टेप और जुड़े, हो गया 5। ऐसे ही ये क्या करा, इसने 2 स्टेप आगे मूव कर दिया, ओके गाइस। सेम मैं इधर दोबारा कर रही हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया और मैंने इसको यूज कर दिया आगे तक, ओके गाइस। अब गाइस इसमें इसने क्या करा, फिल ले लिया और मैंने इसकी सीरीज बनाई गाइस। देखिए सीरीज बनाई। अब सीरीज में मैंने इसमें सेम कर रही हूँ, लीनर कर रही हूँ गाइस। मैंने इसको 2 कर दिया, 2 स्टेप करे आगे, और मैंने इसको कंडीशन भी बता दी। मैंने इसको कंडीशन दे दी कि ये सिर्फ 15 तक ही करे, ओके, या मैंने इसको दे दिया 16 तक करे, ओके। यानी कि सिलेक्शन अगर आपका बड़ा है गाइस और आप कंडीशन कम फिल कराना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ही कराना चाहते हैं, तो क्लिक कर दीजिए गाइस। देखिए गाइस इसने 2 फिल कर दिया, 2 ऐड करके इसने क्या करा, कर दिया। और मैंने 16 दिया था, इसकी लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 15 तक, और आगे इसने डेटा नहीं मूव किया, 15 पर ही रोक दिया, ओके। क्योंकि 15 के अंदर 2 और ऐड कर देगा था तो कितना हो जाता, 17 हो जाता। इसलिए इसने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप कर दिया डेटा, ओके गाइस। लीनियर का मतलब होता है एक स्टेप इसके अंदर मूव करेगा, या 2 स्टेप आपने दिए तो प्लस कर देगा उसके अंदर। अब दूसरा देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इससे 2 लिखा, ओके, और सिलेक्ट करके गाइस हमने इसे ग्रोथ किया गाइस। ग्रोथ में क्या होता है गाइस, ये इनटू करवा देता है, ओके। 2 डाल दिया और ओके कर दिया। देखिए गाइस 2 इसमें इनटू हो गया, 2 में 2 इनटू हो गया, 4 हो गया, 4 में 2 इनटू हुआ, 8 हो गया, 8 में 2 इनटू हुआ, 16 हो गया, 16 में 2 इनटू हुआ, ये आ गया आपका 32 हो गया, 2 इनटू हुआ 64 हो गया। यानी कि हर टाइम इसमें क्या कर रहा है, 2 बार उसको इनटू करता जा रहा है, गुणा करता जा रहा है। देखिए गाइस ये सारा हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं गाइस, इसको ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसे, ओके गाइस। अब इसमें देखिए गाइस हम इधर एक डेट डाल रहे हैं, मैंने इधर डेट डाली गाइस 25, हम इधर डेट डाल रहे हैं 25, ओके, और 25/अप्रैल का ही डाल देते हैं गाइस, यह ही नहीं है लेकिन हमने अप्रैल ही डाल दी। तो ये एक डेट है गाइस। अब मैं चाहती हूँ इस डेट पे वर्क करना है मुझे, ओके, इस डेट को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मूव करना है। तो हमने इधर क्लिक किया गाइस और सीरीज पे गए और सीरीज पे जाके डेट पे आ गए, ओके। ये बोल रहा है कि आपको कैसे मूव करना है, मंथ मूव करना है, ठीक है, मंथ मूव हो जाएंगे। कितने मंथ मूव करना है, कितने स्टेप, 2 स्टेप मूव करना है, ओके। देखिए गाइस बीच में चेंजेस होंगे, और ओके कर दीजिए। देखिए गाइस डेट तो 25 ही रही है, लेकिन 2 मंथ्स क्या हो गए, मंथ्स में मूव हो गए। देखिए पहले अप्रैल आ रहा था, फिर जून आ रहा है, फिर अगस्त आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, ओके गाइस। तो ऐसे 2 महीने क्या होगा, इसमें मूव हो गए। तो हम इस टाइप से इसे मूव भी कर सकते हैं। अब आप उधर टाइम लेंगे, डेट लेंगे गाइस तो डेट में मूवमेंट हो जाएगी, आप ईयर लेंगे तो गाइस ईयर मूव हो जाएगी। तो जैसे भी आप उधर से चूज करेंगे गाइस उसी टाइप से वहां पे चेंज ओवर हो जाएगा, ओके गाइस। गाइस अपनी ये मीटिंग एंड हो रही है, आप इसे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए जरा। इस टाइप से हम फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, देन नेक्स्ट है इसमें गाइज जस्टिफाई। गाइज जब हम स्टार्ट किया था मैंने अलाइनमेंट आपको बताए थे, तो मैंने बताया था 4 अलाइनमेंट होते हैं, फिलहाल यहाँ 3 अलाइनमेंट दिख रहे हैं। अगर आपको 4th अलाइनमेंट करना है तो गाइज यहाँ पे 4th अलाइनमेंट है, अब यहाँ पे हम 4th अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं जस्टिफाई। अगर गाइज आप यहाँ पे कुछ राइट करते हो, ओके हाँ राइट किया, ऐसे ही मैं रैंडमली राइट कर रही हूँ कुछ भी, लाइक मैंने इधर एक राइट कर दिया कुछ, और कुछ मैंने यहाँ पर भी राइट कर दिया, ओके कुछ यहाँ राइट कर दिया और ये कुछ यहाँ राइट कर दिया, ओके ऐसे ही। मैं चाहती हूँ जो मैंने डेटा राइट किया है गाइज, ये डेटा मेरा कहाँ तक जा रहा है, ये 4-5 सेल तक जा रहा है। ओके मैं चाहती हूँ सारा डेटा मेरा अलाइन होगा, जस्टिफाई हो जाए 3 सेल तक। ओके तो मैंने इस टाइप से 3 सेल सेलेक्ट किया गाइज, और 3 सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने इसे जस्टिफाई कर दिया। देखिए गाइज जस्टिफाई हो गया। ओके गाइज ये 3 सेल तक ही डेटा आ गया आपका, तो इस टाइप से जस्टिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाना चाहते आप डेटा, अपना किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ही रखना चाहते हैं, तो हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन करने के लिए होता है, ये जस्टिफाई हो जाएगा डेटा। ओके गाइज नेक्स्ट है गाइज इसके अंदर एक और कमांड है फिल के अंदर ही, फ्लैश फिल। देखिए गाइज ये भी बहुत अच्छा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए मैंने एक शीट बना रखी है, हम यहाँ पे फ्लैश फिल यूज करेंगे गाइज। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है। ये फ्लैश फिल जो यूज होता है गाइज, ये पैटर्न को यूज करता है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न है तो हम उस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे जो हमने यूज कर रखा है, सपोज मैंने यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी गाइज, ये हेडिंग रख रही हूँ मैं सिर्फ और बाकी सारी चीज़ हटा रही हूँ। ओके गाइज ये देखिए हटा दी मैंने। अब इधर मेरे पास कुछ नाम है और ये कुछ सर नेम है। अब मैं चाहती हूँ ये दोनों नेम जो है मेरे, नेम और सर नेम जो है मेरे, वो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। ओके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि मैं चाहती हूँ इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे आ जाए, या ये दोनों नाम कंबाइन हो जाए। कभी कुछ आपसे बोला आपके बॉस ने या किसी ने कि भाई आप दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, नेम और सरनेम को। ओके तो गाइज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा कि एक मिनट गाइज यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, एक कॉलम हाइड है, मैं इसे शो कर रही हूँ, राइट क्लिक और इसे अनहाइड कर देते हैं। ओके गाइज ये देखिए अनहाइड हो गया। यहाँ पे देखिए गाइज मेरे नेम और सरनेम दोनों साथ में लिखे हुए हैं, और मेरे बॉस ने किसी ने कहा मुझसे या मुझे वर्क मिला कि भाई आप ये दोनों इस दोनों को अलग अलग करिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग करिए। दो टाइप से कर सकते हैं गाइज, या तो आप मैनुअली करते रहिए, पहले एक कॉलम में नाम लिखिए फिर दूसरे कॉलम में सरनेम लिखिए, ये भी हो जाएंगे। बट गाइज एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल में ज़रूरी नहीं है मेरे पास 10 रिकॉर्ड हो। ओके एक्सेल में मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब कि इतने सारा डेटा है 10 लाख से भी ज़्यादा। अगर मेरे पास 1000-2000 नाम हो गए तो कैसे करूँगी मैं अलग, एक एक करके बस करते रहिए कि एक दिन बैठ जाइए, एक दिन में सारे नाम अलग करिए फिर दूसरे दिन रिपोर्ट दीजिए बॉस को। ओके है विद इन सेकेंड हम इस वर्क को कर सकते हैं थ्रू दी फिल कमांड। ओके थ्रू दी फिल फ्लैश फिल कमांड। अब देखिए गाइज यहाँ पे जब भी हम फ्लैश फिल कमांड यूज करते हैं, ओके तो फ्लैश फिल यूज करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होता है, ये देखिए सारे नेम इसने शो करा दिए, मैंने सिर्फ क्लिक किया, उसने हेडिंग को उठा लिया और इसने क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरे फर्स्ट नेम फिल करा दिए। गाइज देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे सिलेक्शन कर रहे हैं गाइज पूरा और इसको हटा रहे हैं। ये देखिए मैंने इधर फर्स्ट नेम लिखा जस्ट, ओके फर्स्ट नेम मैंने इधर पूजा लिखा। ओके गाइज सिलेक्शन किया और इसमें से हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसे फ्लैश फिल कर दिया। गाइज ये पूरे नेम यहाँ से सेपरेट कर देगा, उसे पता चल गया कि आप यहाँ से क्या डेटा उठाना चाहते हैं। ओके अब ऐसे ही हमने यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया शर्मा। ओके अब गाइज इसको पता चल गया आप यहाँ से लास्ट नेम हटाना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ से आप इसे सिलेक्शन करिए और इधर फ्लैश तो देखिए गाइज इसने कर दिया। अब ऐसे गाइज आप फर्स्ट लेटर भी हटा सकते हैं। देखिए गाइज मैं चाहती हूँ मुझे इस नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए, ओके तो हमने इधर पी लिख दिया। ओके अब इसमें गाइज सिलेक्शन कर लीजिए और फ्लैश फिल पे ही क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए इसने सारे के सारे क्या करेगा कि फर्स्ट लेटर को हटा देगा। ये देखिए गाइस यहाँ पे लिया उसने, देखिए सारे नेम के फर्स्ट लेटर सेपरेट कर लिए, यानी कि ये जो मल्टीपल डेटा होता है गाइस इसमें से सेपरेशन करने के लिए होता है यूज। अब ऐसे मैंने शर्मा लिखा, शर्मा का एस जो है मैंने इससे यूज कर लिया कि ये एस नेम जो फर्स्ट लेटर है सर नेम का उसे सेपरेट कर दे। तो इधर हमने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करके आप इधर क्या करिए गाइस फ्लैश फिल कर दीजिए, दे दीजिए गाइस फर्स्ट लेटर हटा दिया। तो ऐसे ही गाइस इसमें कंबाइन भी कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या करा, दो नेम जॉइंट थे, हमने उन दोनों को क्या करा सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब हमारे यहाँ पे गाइस क्या है कि दोनों नेम हमारे सेपरेट हैं और हम इधर कंबाइन कर रहे हैं। गाइस ये क्या कर रहे हैं, मैंने इसे यहाँ पे कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे कर दिया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस कॉलम को हाइड कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कई बार अगर ये वाला कॉलम होगा तो ये इसी कॉलम को यूज कर लेगा, तो हम इसे कर रहे हैं गाइस हाइड और इस कॉलम को भी हाइड कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये डेटा एक्चुअल में उठा कहाँ से रहा है। ओके, तो दोनों ही कॉलम हमने कर दिया हाइड गाइस। अब गाइस ये इस वाले डेटा को उठाएगा। ओके, मैंने इधर पूजा लिखा, ओके पूजा शर्मा। ओके, तो अब देखिए गाइस अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ पूरा कि मुझे यहाँ से चूज करना है, ये चूज कर लिया और फ्लैश फिल में जा रहे हैं गाइस। देखिए गाइस उसने अपने आप उस पैटर्न को यूज कर लिया। दैट मीन्स मैंने वो दो कॉलम बीच में से हाइड इसलिए किया था, अगर मैं उसे हाइड नहीं करती गाइस तो ये उस वाले कॉलम को ले लेता, तो हमें ये नहीं पता चलता ये एक्चुअल में उस डेटा को कंबाइन कर रहा है या फिर इस डेटा को कंबाइन कर रहा है। अब मैंने उसको हटा दिया, आप चाहे उसे हाइड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, एज यू विश, ये इसी डेटा को देगा। ओके, अगर आप उसको हाइड नहीं करते या डिलीट नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, जो प्रीवियस आपका डेटा शो हो रहा था कंबाइन, उस कंबाइन डेटा को उठा लेता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है पैटर्न यूज कर रहा है गाइस, तो इसे जहाँ पे पैटर्न मिलेगा उस टाइप का वो उसी प्लेस से पैटर्न को उठा लेगा। तो इसलिए हमने क्या करा उस डेटा को हाइड कर दिया था। सेम टाइप से गाइस इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये कंबाइन भी हो जाएगा। या गाइस कभी आपने देखा आप जब ई कॉमर्स करते हैं तो ई कॉमर्स में जब आपके पास डिटेल आती है तो सारा का सारा डेटा आपके पास मिक्स होके आता है गाइस। मिक्स होके मतलब कि नेम आता है, एड्रेस आता है, लाइक दिस टाइप का नेम है। ओके, और फिर इसी के साथ यहाँ पे कॉपल के गाइस एड्रेस आ जाता है, एड्रेस आ गया, ठीक है गाइस। फिर इधर फोन नंबर भी लिख कर आ जाता है गाइस एक साथ, यानी कि सारा टोटल डेटा कंबाइन होके आता है एक साथ। तो आप फ्लैश फिल के थ्रू गाइस ये डेटा सेपरेट कर सकते हैं। आप इसे बस फॉर्मेट दे दीजिए गाइस कि आपको क्या चाहिए, वो उसी डेटा को आपको सेपरेट कर देगा गाइस। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर लिखती हूँ, जस्ट लाइक ऐसे ही एक रफ डेटा है गाइस, ओके 91 इंडिया का कोड है, और मैंने इधर एक फ़ोन नंबर लिख दिया गाइस और अगेन 91 लिख दिया, और इधर अगेन एक कोई फ़ोन नंबर, ऐसे ही गाइस रैंडमली लिख रही हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है डेटा, कोई पर्टिकुलर फोन नंबर नहीं है किसी का, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया गाइस। ये देखिए अगेन 91, अगेन मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ गाइस इसमें से जो 91 है वो हटाना है, मुझे मेरा फोन नंबर चाहिए बस। एक और लिख देते हैं गाइस इसमें, ये तीन ही हैं बस, मैंने 91 लगा दिया, देन अगेन इधर कुछ लिख दिया फोन नंबर। ओके गाइस, अब मैं चाहती हूँ इसमें से मुझे 91 हटाना है, जस्ट मुझे फोन नंबर यूज करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम इसे पहले पैटर्न देंगे गाइस, जो पहला फोन नंबर है उसको हम लिखेंगे 99874563। ओके, फिर दूसरा फोन नंबर भी हम लिख देंगे, पहले दो लिखने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ पैटर्न दे रहे हैं हम इस गाइस। जब तक हम इसे पैटर्न देंगे नहीं तब तक ये क्या करेगा, उस पैटर्न को अप्लाई नहीं कराएगा। ओके गाइस, ये दूसरा फोन नंबर हो गया। अब गाइस इसे सिलेक्शन कर लीजिए डेटा को और आप फ्लैश फिल में जाइए और फ्लैश फिल, देखिए गाइस उसने 91 हटा, देखेंगे इधर नेम लिखे हुए हैं गाइस, नाम कोई पर्टिकुलरली असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मैं चाहती हूँ ये जो मेरा डेटा लिखा हुआ है गाइस ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया गाइस और सिलेक्ट करके इसे शॉर्ट में जा रहे हैं गाइस फॉर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि ए टू जेड के ऑर्डर में। ओके, तो आप इधर देखिए गाइस एक्सटेंड टू सिलेक्शन। ओके, तो इसने देखिए गाइस कर दिया। अब इसने गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, इसने क्या करा नेम भी कर दिए। मैं इसे कंट्रोल जेड कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ गाइस, जैसे कि मुझे नेम नहीं कर, मुझे हेडिंग नहीं करनी, ये दो तरीके से कर देता है गाइस। मैं तो मुझे हेडिंग नहीं कर रही, मैंने एक्सटेंड टू सिलेक्शन कर लिया था इसलिए उसने हेडिंग को भी यूज कर दिया। मैं हेडिंग नहीं करनी मुझे, तो हमने इसे सिलेक्शन कर लिया गाइस और सिलेक्शन करके अगेन हम ए टू जेड में जाएंगे और इसको कंटेन विद द करंट सिलेक्शन करेंगे गाइस। सिर्फ करंट सिलेक्शन को ही करें, तो देखिए गाइस इसने करंट सिलेक्शन को ही यूज किया और हेडिंग यूज नहीं की। ओके, हेडिंग एज इट इज है, जस्ट उसने सिलेक्शन में जो मेरा डेटा था उसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। सेम टाइप से गाइज अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जेड टू ए के ऑर्डर में करना है गाइज तो जेड टू ए के ऑर्डर में कर दीजिए। दोनों में से सेम ऑप्शन चूज कर लीजिए, आप एक्सटेंड कंटिन्यू कर दीजिए करंट सिलेक्शन, तो ये करंट सिलेक्शन को ही लेगा। ओके गाइज, तो ये होता है गाइज इसमें फिल्टरिंग डेटा, आप इस टाइप से फिल्टर कर सकते हैं। गाइज हमने यहाँ पे अपना डेटा कुछ हाइड किया हुआ था तो मैं इसे अनहाइड कर रही हूँ डेटा अपना, राइट क्लिक करके इसे अनहाइड कर देते हैं। देखिए गाइज ये यूज हो गया। ओके, हम गाइज अपने प्रीवियस शीट पे ही जा रहे हैं। अब गाइज यहाँ पे हमारे पास डेटा है और इसके अंदर एक कमांड होती है गाइज फिल्टर। ओके गाइज, फिल्टर हमारे पास सभी आगे भी आएगा डेटा टूल के अंदर गाइज, तब हम डेटा टूल के अंदर फिल्टर यूज कर देंगे। देखिए गाइस डेटा टूल के भी अंदर है तो हम इधर फिल्टर डेटा टूल के अंदर यूज करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर है, शॉर्टिंग भी है, एडवांस फिल्टर भी है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे फिल्टर कमांड छोड़ रहे हैं, हम आगे करेंगे। देन नेक्स्ट है गाइज इसमें फाइंड रिप्लेस। गाइज यहाँ पे फाइंड मीन्स क्या होता है सभी को पता है, सभी ने कर रखा है। फाइंड मीन्स किसी भी चीज को ढूंढना। ओके गाइज, तो हम इधर फाइंड पे जाते हैं, फाइंड कर देते हैं। आप इधर क्या फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी डेटा लिख दीजिए। जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया, सपोज दैट मैंने प्रिया लिख दिया कि मुझे प्रिया फाइंड करके दिखाइए। ओके, तो इसने फाइंड नेक्स्ट कर दिया, तो गाइज इसने फाइंड करके दिखा दिया। दोबारा क्या नहीं दिखा रहा, बिकॉज ऑफ इस शीट में एक ही बार प्रिया लिखा हुआ है इसलिए ये दोबारा नहीं दिखा रहा। ओके, तो गाइज ये तो था सिर्फ एक शीट में फाइंडिंग करने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास एक फाइल में मल्टीपल शीट्स हैं और मैं फाइंडिंग पूरी फाइल में से चाहती हूँ, पूरी बुक से, तो आप मोर में जाइए गाइज और मोर में जाके विथ इन पे आइए और यहाँ पे आके आप पूरी वर्क बुक कर दीजिए गाइज, पूरी वर्क बुक कर दीजिए। सर्च इन रो कॉलम जिसमें भी करना है दोनों में ही करेगा गाइज, फॉर्मूला में करना है फॉर्मूला में भी कर दीजिए। अब फाइंड नेक्स्ट करिए गाइज, देखिए ये सभी जगह से फाइंड करके दिखाएगा। अब देखिए फ्लैश वाली फाइल पे चला गया, ये फ्लैश वाली शीट है इस शीट पे चला गया। अब अगेन नेक्स्ट कर दीजिए गाइज, तो ये देखिए नेक्स्ट पे लेके आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट करिए, अगेन जैसे ही उसे प्रिया नाम जिस शीट में मिलेगा वो गाइस उस शीट पे आगे मूव करके दिखाता जाएगा। इसे प्रिया नाम सिर्फ दो ही शीट में मिल रहा है गाइस, एक तो शीट 1 में और एक फ्लैश वाली शीट में, तो यहाँ से इसे यूज कर देगा गाइस। ओके, अगर गाइस आप चाहते हैं इसको रिप्लेस करना, मैं चाहती हूँ प्रिया नेम जो है मुझे रिप्लेस करना है, प्रिया की जगह कुछ और लिखना है, तो गाइस आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैं जब प्रिया जो लिखा है प्रिया वर्मा, दो प्रिया है हमारे पास, एक प्रिया है एक प्रिया वर्मा, तो मैं चाहती हूँ जो फ्लैश वाली फाइल है या किसी भी एक फाइल में प्रिया वर्मा की जगह यहाँ पे प्रिया मेहरा हो जाए। ओके गाइस, सॉरी इधर प्रिया लिखेंगे हम, प्रिया चेंज करना है, प्रिया की जगह मुझे यहाँ चाहिए गाइस तरुणा। ओके गाइस, तरुणा हो जाए। तो गाइस इसे पहले तो फाइंड कराते हैं हम, इधर फाइंड किया तो इसने शो कर दिया यहाँ पे है प्रिया। आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो गाइस हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो गाइस देखिए यहाँ पे तरुणा हो गया। अगेन लेके आ रहा है, आप यहाँ पे चेंज करना है, नहीं मुझे नहीं करना, तो हम फाइंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके गाइस, अगर यहाँ चेंज करना है तो गाइस हम इधर से फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, फाइंड का शॉर्टकट होता है गाइस कंट्रोल एफ। ओके, कंट्रोल एफ से फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा और रिप्लेस का शॉर्टकट होता है गाइस कंट्रोल एच, तो यहाँ से कंट्रोल एच करके रिप्लेस खुल जाएगा। ओके गाइस, तो हम यहाँ से फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी फाइंड रिप्लेस कमांड। गाइस अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे आए तो इसमें गो टू कमांड भी होती है। गो टू कमांड जो हमारी यूज होती है गाइस किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पे जंप करने के लिए होती है। गाइस अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे पास अभी एक स्क्रीन पे कितना डेटा शो हो रहा है गाइस 27 तक रो शो हो रही है। ओके, और RS कॉलम शो हो रहा है। ओके, अगर गाइस मुझे इससे बहुत ज़्यादा आगे रेफरेंस ले जाना है कि मैं चाहती हूँ जेड नंबर कॉलम पे पहुँच जाऊँ। समथिंग बहुत बड़े रेफरेंस है क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा रो हैं इसमें, तो इधर हम वो पर्टिकुलर रेफरेंस टाइप कर देते हैं गो टू करने के लिए। मैंने कहा जेड नंबर कॉलम पे मूव करना है मुझे और इस पर्टिकुलर नंबर रो पर जाना है। मैंने देखिए गाइज जेड 1478 रो नंबर टाइप किया, गो टू कर दिया। गाइज सेम उसी रेफरेंस पे आप जंप कर गए। देखिए गाइज जेड नंबर कॉलम है और सेम वही रेफरेंस है जो आपने डाला था। देखिए ऊपर देखिए गाइज रेफरेंस एरिया में सेम वही आ रहा है। ओके, तो यानी कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप कर गए। ओके, तो गो टू होता है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पे जंप करने के लिए। इसका शॉर्टकट होता है गाइज कंट्रोल G। आप यहाँ पे टाइप कर देंगे अगेन दोबारा, मैंने कहा इधर मुझे A1 पर जाना है, तो गाइज ये आपको जंप करा देगा A1 पर। ओके, यानी कि फर्स्ट रेफरेंस पे जंप करा देगा A1 के ऊपर। ओके गाइज, इसके अंदर बहुत सारे गो टू के अंदर भी आपके पास गाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला गो टू स्पेशल है। जैसे हमने पेस्ट स्पेशल किया था गाइज, तो हमने पेस्ट स्पेशल में क्या किया था, फॉर्मूला किया था, कमेंट्स किए थे, कंटेंट किए थे, वैलिडेशंस यूज़ की थी, बहुत सारी चीज़ें थी। सेम टाइप से जब हम गो टू करते हैं तो यही सारी चीज़ों पर हम गो टू भी कर सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं दोबारा कि जस्ट लाइक कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी, लाइक मैंने ये फॉर्मेटिंग यहाँ कर दी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी और कुछ फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ कर दी। गाइस मैं बहुत जल्दी में फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, जस्ट अ कलर, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी, यहाँ पे भी कलर कर दिया। ओके ये रहा, और यहाँ पे गाइस हमने कुछ कमेंट यूज़ कर दिए, जस्ट अ राइट क्लिक ऑन कमेंट। तो देखिए गाइस ये कमेंट हो गए, एक कमेंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, एक कमेंट यहाँ पे लगा दिया। ओके गाइस ये कमेंट हो गए। अगर गाइज लिंक बनाना है तो लिंक भी बना देती हूँ गाइज मैं यहाँ पे, क्योंकि वो लिंक भी है उसके अंदर। लिंक मैंने जस्ट इसी बुक से लिंक कर दिया गाइज, ये मेरे फोल्डर का ही लिंक है। और यहाँ पे भी गाइज सेम टाइप से मैंने इधर भी लिंक कर दिया, तो ये यहाँ पर भी लिंक कर दिया। ओके गाइज, तो ये लिंक हो गया। अब मैं गाइज यहाँ पे इसे ओके कर रही हूँ। ओके गाइज ये सारा कुछ है, वैलिडेशन भी है गाइज इसमें, तो वैलिडेशन भी लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। डेटा में जाके गाइज ये वैलिडेशन के अंदर जाइए गाइज, और इधर एक सिंपल सा कोई वैलिडेशन लगा दीजिए, कोई भी। मैंने यहाँ पे सेम डेटा वैलिडेशन में जाके गाइज यहाँ पे आप कोई सी कंडीशन लगा दीजिए। मैंने इधर लगा दी रोल नंबर बिटवीन, सेम टाइप से जो हमने कल कंडीशन लगाई थी गाइज 50 और 60 80 वाली, सेम वही कंडीशन लगा देते हैं गाइज। और ओके ये वैलिडेशन लगती है। अब गाइज काफ़ी सारा डेटा है मेरे पास। ओके, अब इस डेटा में से मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर डेटा को गो टू करना है। तो देखिए गाइज हम इस तरह गो टू में ही जा रहे हैं, कंट्रोल G करके भी जा सकते हैं, लेकिन इधर हम गो टू स्पेशल कर रहे हैं। तो ये देखिए गो टू स्पेशल सेम टाइप है गाइज। मैंने क्या इधर मुझे कमेंट्स पे जंप करना है, तो सिलेक्ट कमेंट किया और गो टू कर दिया। तो देखिए जितने भी कमेंट्स है गाइज सारे सिलेक्ट हो गए, ये भी सिलेक्ट हो गया गाइज, ये भी सिलेक्ट हो गया, और ऊपर जो और कमेंट्स थे गाइज मेरे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे अगर मैंने डाले होंगे। फिलहाल मैंने 2 ही कमेंट्स डाले, तो गाइज ये देखिए ये भी सिलेक्टेड है और ये भी सिलेक्टेड है। दैट मीन्स उसमें बताते हैं कि आपने 2 जगह कमेंट्स कर रखा है। ओके, अगर गाइज आपको फॉर्मेट पे जाना है तो आप फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं। देखिए अगर फार्मूलाज पे जाना है तो फार्मूला पे जा सकते हैं गाइज, लेकिन इसमें फार्मूला भी लगा हुआ नहीं है, तो मैं फॉर्मेटिंग पे जा रही हूँ गाइज। फॉर्मेटिंग करेंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है इसमें, तो मैं इधर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देती हूँ थोड़ी सी, जिससे कि वो कंडीशन फॉर्मेटिंग ले ले। तो ये देखिए गाइज मैंने इसे सिलेक्शन करके इधर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन। ओके ग्रेटर देन ही लगा दिया गाइज, कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, ये हाईलाइट हो गए। ओके गाइज, और इधर एक फार्मूला भी लगा देती हूँ गाइज। यहाँ पे मैंने ऑल्ट तो इक्वल कर दिया, सम का फंक्शन लग गया गाइज। तो देखिए गाइज अब यहाँ पे हम जा रहे हैं फार्मूला गाइज, ये देखिए फार्मूला इसने सिलेक्ट कर लिया। अगर हम यहाँ से करते हैं गाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो देखिए गाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट कर दी कि इस एरिया पे आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ओके, अगर आप गाइज इसमें कंटेंट करते हैं तो जहाँ जहाँ आपका डेटा टाइप है देखिए गाइज वो डेटा सेलेक्ट हो गया, जहाँ भी आपने डेटा लिख रखा है। अगर गाइज आप इसमें से करते हैं वैलिडेशन, तो गाइज ये वैलिडेशन वाला एरिया सेलेक्ट कर देगा, कहाँ पर आपने वैलिडेशन लगा रखा है। तो इस टाइप से गाइज आप ही कर सकते हैं मल्टीपल टाइप से। ये सेम वैसा ही वर्क कर रहा है गाइज जैसा कि आपका पेस्ट स्पेशल कर रहा था। पेस्ट स्पेशल में भी हमने इसी टाइप की कुछ कंडीशंस की थी, इसी टाइप के हमने कुछ पेस्ट स्पेशल्स किए थे। अब गो टू में भी सेम टाइप के हमने गो टू भी किए हैं, तो ये इसी टाइप से गो टू भी करवा देता है। देखिए गाइस, ओके गाइस, तो इस टाइप से ही यूज रहता है। तो गाइस आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं हमारा एडिटिंग टूल पर। तो हमारा एडिटिंग तक खत्म हो गया है, सेल फॉर्मेटिंग और ये एडिटिंग टूल। ओके, ये दो टूल्स थे हमारे जो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। गाइस कल का सेशन हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से, क्योंकि कल हम अपने इसमें एडवांस एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज लेंगे। बेसिक हमने होम टूल पहले इसलिए बताया क्योंकि जब तक आप होम टूल नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है गाइस। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी गाइस। जो भी आपके और फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू गाइस।